भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। देखिए इस ग्रंथ का नाम है श्री राम चरित मानस। बाबा श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री राम चरित मानस रखा, पर किसी ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा प्रायः सभी लोगों ने रामायण बनाई, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, पर बाबा आपने श्री रामचरितमानस बनाई, तो बाबा कृपया हमें बताएं कि इन दोनों ग्रंथों में अंतर क्या है, रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वे कहते हैं कि रामायण मतलब राम आयन, मतलब राम जी का घर, अर्थात राम जी का मंदिर। सबने तो राम जी का मंदिर बनाया, तो बाबा फिर आपने क्या बनाया? कहा कि मैंने तो एक मानसरोवर बनाया। श्री राम चरित मानस, मानस मतलब मानसरोवर। तो सबने मंदिर बनाया और मैंने एक मानसरोवर बनाया। तो बाबा अब ये भी बतावें कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो बाबा ने कहा कि अंतर बस यही है कि मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। तो जिनके मन पवित्र हो गए हों वो रामायण में प्रवेश करें और जिनको अपने मन को पवित्र बनाना हो वो श्री रामचरितमानस में डुबकी लगाएं। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी को जिस, राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा, पाए जा पदार्थ चार संतों की संगति में, उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा, और नाई जा शीश तू गुरुदेव के चरण मध्य, भूल की कुसंग में ना खुद को मिलाए जा, और लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबकी लगाए जा।